दोस्तों, अगर आप कॉमेडी शो देखना पसंद करते हो तो आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को जरूर जानते होंगे। दोस्तों, आज हम इसी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में तारक मेहता का किरदार निभाने वाले सेलेस लोडा की लाइफस्टाइल और उनकी बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसका टाइटल है सेलेस लोडा तारक मेहता बायोग्राफी एंड लाइफस्टाइल। सबसे पहले बात करेंगे इनके रियल नेम और निकनेम की। इनका रियल नेम है सेलेस लोडा और निकनेम है तारक मेहता। अगर बात करें इनके फेमस रोल की तो ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा में 2008 से लेकर अभी तक वो शो में तारक मेहता का किरदार निभा रहे हैं। अब बात करेंगे सेलेस लोडा की फिजिकल स्टेटस एंड मोर इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, इनकी हाइट है 5 फीट 8 इंच और इनका वेट है 78 kg। तारक मेहता का आई कलर है ब्राउन और हेयर कलर है ब्लैक। अब बात करेंगे तारक मेहता की पर्सनल लाइफ के बारे में। दोस्तों, तारक मेहता का जन्म 8 नवंबर 1969 को हुआ और ये 2020 में 51 ईयर्स के हो जाएंगे। अगर बात करें बर्थ प्लेस की तो सेलेस लोडा का जन्म जोधपुर राजस्थान में हुआ। तारक मेहता की नेशनलिटी है इंडियन और रिलीजन से ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। अगर बात करें सेलेस लोडा के डेब्यू की तो इनका टीवी डेब्यू 2007 में हुआ कॉमेडी सर्कस शो में, लेकिन कॉमेडी सर्कस शो में इनको ज़्यादा पहचान नहीं मिली। इनको टीवी पर सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली 2008 से चल रहे शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में तारक मेहता का किरदार निभाने के बाद। दोस्तों, अगर बात करें सेलेस लोडा की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो ये ग्रेजुएट है। सेलेस लोडा की हॉबीज है राइटिंग एंड रीडिंग। अब बात करेंगे सेलेस लोडा की फैमिली के बारे में। सेलेस लोडा के फादर का नाम श्याम सिंह लोडा और मदर का नाम शोभा लोडा है। दोस्तों, अब बात करते हैं सेलेस लोडा के करियर और लाइफ स्टोरी के बारे में। दोस्तों, सेलेस लोडा फिलहाल मुंबई में रहते हैं और मुंबई में रहकर इन्होंने एक एक्टर के तौर पर पहचान बनाई है। सेलेस लोडा जी शुरू से ही पढ़ाई करने में बहुत होशियार थे। बचपन से ही उन्हें कविता लिखने का शौक था। बचपन में भी इन्हें कवि के रूप में जाना जाता था। सेलेस लोडा जी ने BSc किया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने कुछ समय जोधपुर में कार्य भी किया, लेकिन शुरू से ये कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने कवि के तौर पर अपनी एक नई पहचान बनाई। उन्होंने कई कवि सम्मेलनों में भाग लिया। सेलेस लोडा की शादी स्वाति लोडा से हुई और उनकी एक बेटी भी है स्वरा। शुरुआत में सेलेस लोडा ने कॉमेडी सर्कस में काम किया है। सीरियल बहुत ही अच्छा चला। इसके बाद इन्हें सब टीवी के कॉमेडी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काम करने का मौका मिला। वास्तव में यह सीरियल बहुत ही अच्छा चला और सेलेस लोडा जी ने एक नई पहचान बनाई। आज सेलेस लोडा जी सीरियल की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं और इस सीरियल में वो एक कवि की भूमिका निभाते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2008 से अभी तक चल रहा है और यह सीरियल बहुत ही बेहतरीन सीरियल है। बच्चे, बूढ़े, नौजवान हर कोई इस सीरियल को पसंद करता है। उन्होंने इस सीरियल में दिलीप जोशी यानी कि जेठालाल के साथ काम किया है। दिलीप जोशी और सेलेस लोडा जी की जोड़ी लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है। सेलेस लोडा जी ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के बाद 2012 में वाह वाह क्या बात है नामक सीरियल में काम किया है। वास्तव में सेलेस लोडा जी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि है। इन्होंने कई अवार्ड अपने नाम किए हैं। सेलेस लोडा जी बचपन से जो चाहते थे उन्होंने वो सपना पूरा किया और जीवन में एक बड़ी पहचान बनाई। दोस्तों, अब बात करेंगे सेलेस लोडा जी की कार कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक कार है मर्सिडीज E350D। इस कार की प्राइस 75.29 लाख रुपीज है और इस कार की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर है। दोस्तों, अगर बात करें सेलेस लोडा जी की नेटवर्थ के बारे में तो इनकी नेटवर्थ $1 मिलियन से लेकर $5 मिलियन के बीच है। और अगर बात करें सेलेस लोडा जी की तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सैलरी की तो ये 1.5 लाख रुपये पर एपिसोड चार्ज करते हैं।